फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के म्यूजियम में दुनिया की सबसे मशहूर तस्वीर मोनालिसा पर हमला हुआ है, ताहम ये तरीकी तस्वीर महफूज रही। आर्मी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजियम में एक शख्स ने मोनालिसा की तस्वीर की हिफाजत करने वाला शीशा तोड़ने की कोशिश की और फिर इस पर केक दे मारा। पेरिस के प्रोसिक्यूटर दफ्तर का कहना है कि इस हमले के इल्ज़ाम में 36 साल शख्स को गिरफ्तार करके नफ्सियाती मुआयने के लिए भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुअम्मर खातून व्हीलचेयर पर म्यूजियम में आई। पहले उसने फूल फेंके और फिर अचानक व्हीलचेयर से उठकर मोनालिसा की तस्वीर की हिफाजत करने वाले बुलेट प्रूफ शीशे पर हमला कर दिया। हमले के बाद इंकशाफ हुआ कि ये कोई खातून नहीं बल्कि एक आदमी है।